भोजपुरी की बहुचर्चित म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ने फिल्म शत का म्यूजिक खरीद लिया है। इस फिल्म का म्यूजिक जल्द ही यूपी, बिहार, मुंबई और दिल्ली में बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा ताकि दर्शक इस फिल्म के बेहतरीन गानों को आसानी से सुन और देख सके। अभिनेता सत्येंद्र सिंह द्वारा अभिनीत इस फिल्म को नवंबर में प्रदर्शित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन और एक सच्चे पुलिस ऑफिसर के जीवन पर आधारित इस फिल्म में सत्येंद्र सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एंटरटेनमेंट द्वारा निर्माण की गई फिल्म, इस फिल्म का निर्देशन संजय श्रीवास्तव ने किया है। इस फिल्म में सत्येंद्र के अपोजिट प्रियंका पंडित नजर आएंगी और साथ में राम मिश्रा, संजय पांडे, बालेश्वर सिंह, सुनील वर्मा, संतोष श्रीवास्तव, प्रेम बाबू जैसे भोजपुरी फिल्मों के चर्चित कलाकार भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म के सभी गाने काफी अच्छे और कर्णप्रिय हैं, जिसका निर्माण फिल्म के सीन्स के हिसाब से किया गया है। फिल्म के गानों में संगीत दामोदर राव द्वारा दिए गए हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी द्वारा शो में इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, जो अब तक किसी और फिल्म के लिए नहीं किया गया है। इस फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट काफी अलग है और गाने भी काफी अलग तरीके के बनाए गए हैं। दर्शकों को हमेशा रोमांटिक इमोशनल तरीके के गाने सुनने मिलते हैं, लेकिन इस फिल्म के गानों में काफी नयापन देखने मिलेगा, जिसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। भोजपुरी की बहुचर्चित म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ने फिल्म शत का म्यूजिक खरीद लिया है। इस फिल्म का म्यूजिक जल्द ही यूपी, बिहार, मुंबई और दिल्ली में बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा ताकि दर्शक इस फिल्म के बेहतरीन गानों को आसानी से सुन और देख सके। अभिनेता सत्येंद्र सिंह द्वारा अभिनीत इस फिल्म को नवंबर में प्रदर्शित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन और एक सच्चे पुलिस ऑफिसर के जीवन पर आधारित इस फिल्म में सत्येंद्र सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एंटरटेनमेंट द्वारा निर्माण की गई फिल्म, इस फिल्म का निर्देशन संजय श्रीवास्तव ने किया है। इस फिल्म में सत्येंद्र के अपोजिट प्रियंका पंडित नजर आएंगी और साथ में राम मिश्रा, संजय पांडे, बालेश्वर सिंह, सुनील वर्मा, संतोष श्रीवास्तव, प्रेम बाबू जैसे भोजपुरी फिल्मों के चर्चित कलाकार भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म के सभी गाने काफी अच्छे और कर्णप्रिय हैं, जिसका निर्माण फिल्म के सीन्स के हिसाब से किया गया है। फिल्म के गानों में संगीत दामोदर राव द्वारा दिए गए हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी द्वारा शो में इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, जो अब तक किसी और फिल्म के लिए नहीं किया गया है। इस फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट काफी अलग है और गाने भी काफी अलग तरीके के बनाए गए हैं। दर्शकों को हमेशा रोमांटिक इमोशनल तरीके के गाने सुनने मिलते हैं, लेकिन इस फिल्म के गानों में काफी नयापन देखने मिलेगा, जिसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री की चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी मीडिया।